पत्नी की हत्या को आत्महत्या बताकर बचने की कोशिश करने वाला आरोपी पति गिरफ्तार हो गया है। आरोपी को उसके ही बेटे की गवाही ने जेल पहुंचाया है। आरोपी पति अभी तक पत्नी की हत्या कर उसे आत्महत्या बता रहा था, लेकिन उसके ससुराल पक्ष और पत्नी के मायके वालों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया। फिर मामले की बारीकी से जांच शुरू की। जब पुलिस ने परत दर परत जांच की तो आरोपी पति ही निकला। दरअसल बीती 4 जुलाई को देहरादून जिले के रायवाला के प्रतीत नगर निवासी शिवलाल ने श्रीनगर कोतवाली में एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने बताया कि 30 जून की रात उनके दामाद राजेश कुमार उनकी बेटी रीता देवी की मारपीट कर हत्या कर दी है। इस शिकायत के आधार पर श्रीनगर कोतवाली में राजेश कुमार के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया। जब पुलिस ने राजेश कुमार से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसकी पत्नी ने आत्महत्या की है। इसके लिए राजेश ने बकायदा फंदा आदि भी लगाया था ताकि आत्महत्या लग सके। जांच पड़ताल के क्रम में पुलिस ने 22 जुलाई को राजेश कुमार के नाबालिग बेटे को कोर्ट के समक्ष पेश किया और नाबालिग के बयान दर्ज करवाए, जिसमें नाबालिग ने बताया कि बीते 30 जून को रात उसके पिता ने मामूली बात पर उसकी मां रीता देवी के सिर पर बैट मार दिया था, साथ ही गला दबाकर हत्या कर उसको धमकाते हुए यह बात किसी को ना बताने को कहा था। थाना श्रीनगर में एक महिला का शव घर के सीलिंग फैन से लटकता हुआ बरामद किया गया था, जिसमें पुलिस के द्वारा आईपीसी की धारा 306 में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें जांच करने के उपरांत व पोस्टमार्टम करने के उपरांत ये तथ्य प्रकाश में आए कि इस महिला का हत्या इसके पति के द्वारा ही की गई थी और हत्या करने के उपरांत इस शव को सीलिंग फैन से लटका दिया गया था। इसमें धारा को परिवर्तित करते हुए आईपीसी की धारा 302 में इस को पंजीकृत किया गया और अभियुक्त को श्रीनगर की पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया, माननीय न्यायालय में पेश किया गया। श्रीनगर से संवाद 365 के लिए भगवान सिंह की रिपोर्ट। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।